दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पर ओरिजिनल पोस्ट का ऑप्शन क्यों दिया होता है और इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइज अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करना है। इसके बाद सबसे नीचे प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऊपर की ओर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ओरिजिनल पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सेव ओरिजिनल पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम के कैमरे को यूज़ करके अगर आप फोटो या फिर वीडियो को पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पर, अगर आप उस फोटो या फिर वीडियो को गैलरी में सेव करना चाहते हो तो सेव ओरिजिनल पोस्ट ऑप्शन को आपको जो है इनेबल कर देना है। इसके अलावा दोस्तों सेव पोस्टेड फोटोज़, अगर आप अपने मोबाइल के स्टोरेज में से इंस्टाग्राम पर आप फोटोज़ अपलोड करते हो और अगर आप उस फोटो को अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों थर्ड ऑप्शन है सेव पोस्टेड वीडियोस, अगर आप अपने मोबाइल के स्टोरेज में से अगर आप कोई भी वीडियोस इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो पोस्ट करते हो तो अगर आप उसे गैलरी में सेव रखना चाहते हो तो सेव पोस्टेड वीडियोस ऑप्शन को आपको इनेबल कर लेना है। तो गाइस कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम पर आप ओरिजिनल पोस्ट ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।